बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम सॉफ्ट फ्रिल्ड कॉलर तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक बेबी की फ़्रॉक तैयार करने वाली हूँ, तकरीबन 7 से 8 साल की उम्र की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक लेके उसकी कटिंग कर ली है। फ्रंट नेक बैक नेक से थोड़ा डीप होगा, इसलिए मैंने कटिंग थोड़ी गहरी कर ली है। इसकी शोल्डर कटिंग की है और साइड कटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट साइड को मैं यहाँ पे फैला रही हूँ। इसके लिए हमें एक फ्रिल तैयार करनी है जो इसकी नेक पे लगेगी। तो उसके लिए मैंने लंबी सी एक स्ट्रिप काट ली है। यहाँ पे बुकरम पेपर मैंने ले लिया है। इसको डबल फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर मैं अपना नेक स्केच करने वाली हूँ, फिर हम इसे कटिंग करेंगे। ये देखें, यहाँ पर मैं यहाँ पर तकरीबन बोट नेक बना रही हूँ और नीचे से हम एक लूप स्टाइल बनाएंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। साइड से ज़रा 1 से 1.5 इंच छोड़ के फिर हम कटिंग कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। यहाँ बुकरम पेपर को फैब्रिक पे मैंने पेस्ट कर लिया। अब साइड से हम यहाँ से थोड़ी सी किनारी इसको मोड़ के सिलाई लगा देंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। अब बॉडी की जो फ्रंट साइड है वहाँ पे रख के हम देख लेंगे कि साइज़ सेम है, हमें सेम साइज़ कट करना है जी। तो अब जो उनसी फ्रिल हमने ली थी उसको रेडी कर लेते हैं। जी तो ये देखिए हमारी फ्रिल रेडी है। अब इसे हम नेक पे रख के देख लेते हैं। हमें इसे सेंटर से 2 पीस करना है। यहाँ से हम सेंटर से इसकी कटिंग कर लेंगे। इसे फोल्ड करने के बाद इसकी हम कटिंग करने वाले हैं। जी ये 2 पीसेस तैयार हैं, तो इनको हम हाफ राइट साइड पे और हाफ लेफ्ट साइड पे स्टिच करेंगे। इसके लिए हमने अपनी बॉडी ले ली है, फ्रॉक की जो फ्रंट साइड है उसकी बॉडी ले ली है। इसकी नेक के सेंटर में हम इसको मार्क करेंगे और यहाँ पे सेंटर पे रख के फ्रिल अप्लाई करेंगे, हाफ राइट साइड पे और हाफ लेफ्ट साइड पे। और यहाँ से इसे टर्न कर लेंगे, थोड़ा सा इसको किनारा मोड़ लेंगे, ठीक है। और यहाँ सिलाई लगाएंगे। सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड पे करेंगे। इसको रख के यहाँ पे और कॉर्नर को ज़रा सा फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए मशीन पे चलते हैं जी। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट साइड के ऊपर फ्रिल रख के अप्लाई करने शुरू कर दिया हाफ साइड से। हाफ साइड के कॉर्नर पे आके कॉर्नर को यहाँ से मोड़ेंगे। और यहाँ से अब दूसरी साइड, इसको भी हम यहाँ से कॉर्नर को मोड़ देंगे इस तरह से, और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये देखें इसकी लुक। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। अब इन दोनों पीसेस के सेंटर को मार्क करेंगे और इन दोनों को आपस में स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद हम यहाँ सेंटर में जो फैब्रिक है इस पर कट्स लगाएंगे। उसके बाद हमें इसको टर्न करना है जी। तो इसको पलटाने के बाद ये इसकी लुक, इसकी फ्रिल बाहर वाली साइड पे आ गई है। ये बैक गला और ये फ्रंट, ये देखें ये बैक साइड है। और यहाँ पे हम तिरपाई करेंगे और ये फ्रंट है। अब बॉडी की बैक को इसके साथ स्टिच करेंगे।
शोल्डर से हम इनको इसको स्टिच करेंगे। ये मैंने सिलाई लगा ली है, तो मैं इसका बैक गला भी रेडी कर लूँगी। अब इसके जो शोल्डर्स हैं उनके ऊपर भी मैं सेम फ्रिल लगाने वाली हूँ, जिस तरह से हमने नेक पे फ्रिल बना के लगाई है बिल्कुल उसी तरह से लंबी सी स्ट्रिप लेके उसको प्लेट्स डाल के तो उसकी फ्रिल रेडी करेंगे हम। इसी तरह से फ्रिल रेडी करके हम उसके स्लीव्स की जगह पे फ्रॉक के ये फ्रिल अप्लाई करेंगे। जी तो स्टिच करने के बाद ये इसकी लुक, अभी मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक भी दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।